हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अघोषित बिजली कटौती व लड़खड़ाती आपूर्ति से फूटा आक्रोश, भाजपा नगर ग्रामीण व भाकर मंडल ने किया विरोध प्रदर्शन। काले झंडे लहराते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मांग के समर्थन में सौंपा गया ज्ञापन। राज्य में अघोषित बिजली कटौती व लड़खड़ाती बिजली आपूर्ति के चलते आज भाजपा की ओर से गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। भाजपा शहर व ग्रामीण मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की गई। मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपे गए। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र साबरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता व पदाधिकारी स्टेशन चौराहे पर एकत्रित हुए। काली पट्टी बांध कर व काले झंडे लहराते हुए कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली के रूप में नारेबाजी करते व काले झंडे लहराते हुए कार्यकर्ता शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मांग के समर्थन में तहसील के रडार को ज्ञापन सौंपा। भाजपा ग्रामीण व भाकर मंडल की ओर से भी लड़खड़ाती बिजली आपूर्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यवस्था ठीक करने की मांग की गई। मुख्यमंत्री के नाम डिस्कॉम के ग्रामीण कार्यालय के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। समय रहते विद्युत कटौती का समाधान नहीं होने पर आमजन के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण, पालिका उपाध्यक्ष रवि शर्मा आदि मौजूद थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए भूपेंद्र साबरिया अध्यक्ष भाजपा नगर मंडल आबू रोड, इन्होंने ये कहा। आज हमने राजस्थान की मुख्य समस्या जो बिजली के ऊपर है, बिजली ना तो राजस्थान सरकार समय पे हमको दे पा रही है और जो बिजली के बिलों में अनियमितता आ रही है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश स्तर पर आज ये कार्यक्रम किया। उसी के नहीं है आबूरोड नगर मंडल शहर ने भी तहसीलदार के नाम मुख्यमंत्री के ज्ञापन दिया है, जिसमें बिजली की समस्याओं को लेकर समस्या बताई गई है कि हमको आने वाले हमारे जो तीज त्यौहार आ रहे हैं उसके अंदर बिजली की सप्लाई पूरी की है, ताकि हमारे व्यापारी जो पहले कोरोना के अंदर किसी कारण से अपना व्यापार नहीं कर पा रहे, उन समस्याओं में आर्थिक समस्या आ रही है, तो त्यौहार के अंदर उनको बिजली के कारण कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सरकार से निवेदन किया है कि वो बिजली की आपूर्ति पूरी करें और सरकार जो बिलों के अंदर लॉकडाउन के अंदर की पीरियड के अंदर सरकार ने पहले कहा था माफ करेंगे और बाद में जो बिल आए हैं हर तरीके से बिलों के अंदर बहुत सारी अनियमितता है, उसके अंदर टैक्स भी अलग अलग तरीके से लगाए हुए हैं, तो उन बिलों का भी सही तरीके से समायोजन करके जनता को लाभ। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।